हेलो दोस्तों एंड वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी सीए चैनल। और यहां पे आज एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, एक अपॉर्चुनिटी जिसका मैं पर्सनली काफी समय से इंतजार कर रहा था। बिकॉज जनरली होता है कि आफ्टर वी लॉन्च द रेज अ हैंड फीचर ऑन अनअकैडमी प्लस, द लर्नर कैन इंटरैक्ट थ्रू अ वॉइस कॉल टू एन एजुकेटर। लेकिन जब वो इंटरेक्शन करते हैं तो उन्हें हैंड रेज करना होता है। हैंड रेज करते समय देयर आर सो मेनी लर्नर्स दैट एज एन एजुकेटर आई सी ऑन माय स्क्रीन, तो कभी किसी से बात हो पाती है, कभी किसी से बात नहीं हो पाती है। लेकिन आज हम विदाउट रेज हैंड, सिर्फ ऑडियो के साथ नहीं, फेस टू फेस इन सभी लर्नर्स के साथ बैठे हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशुल अग्रवाल, आप सभी का स्वागत कर रहा हूं अनअकैडमी ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। हम लोग अभी हैं यहाँ न्यू दिल्ली में। We have organized the CA Rankers program, जहां पे हम लोगों ने हमारे सारे अचीवर्स को, स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट किया है। और सो मैं यहाँ पे आपको इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन देने की जगह इन सब का एक कॉमन इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। और इन सब की कॉमन पहचान ये है कि ये सभी लोग CA Foundation December 2021 examination क्लियर करके अब इंटरमीडिएट की जर्नी चालू कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं अप्रैल मई 2022 में, और इन लोगों की एग्जामिनेशन होने वाली है नवंबर 2022 में। सो वेलकम गाइस, कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे? ग्रेट, अमेजिंग। तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। आप लोग आई एम श्योर बैचेस अटेंड कर रहे हैं, नवंबर 22 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो फोरम है, यहाँ पे आप हजारों स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आई एम श्योर आपको पता है कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज है, राइट? So let's make the most out of this session. जो भी आपके questions हैं, let's get started. First from you, sir. Hello, sir. I am Akshay. I am from Delhi only. And my question is that basically I go to a regular college in Delhi, and I want to ask you that I am attending the lecture, and it is not possible कि November 22 तक board की preparation हो जाए. I know that because with college it is tough. देखो यार, अगर ये क्वेश्चन का आंसर मुझसे कोई नॉर्मल स्टूडेंट पूछता था तो मैं कहता था कि यार एक ग्रुप की प्रिपरेशन करो, नवंबर 22 में एक ग्रुप दो और फिर दूसरा ग्रुप मई 23 में दे दो। बट आई नो यू। और अगर इसकी तरह और भी कोई लर्नर, जब आप कहोगे सर आप इसको कैसे जानते हो, मैं इसको इसलिए जानता हूँ क्योंकि ये सीए फाउंडेशन का टॉपर है। यार अगर आपको लगता है ना कि आप बेस्ट कर दोगे, आपको AIR लाना है इंटरमीडिएट में क्योंकि फाउंडेशन में AIR नहीं मिलती है, तो मेरे हिसाब से देर इज नो प्रॉब्लम, देर इज नो हार्म इन वेटिंग फॉर नेक्स्ट 6 months। यू नो द टाइम फ्रेम, यू नो द क्लासेस कितने घंटे होती है, पढ़ाई कैसे चलती है, सारी चीजें आपको पता है। अब इन सब चीजों के साथ अगर आपको लगता है, बट अगेन इट्स अ वेरी रिस्की डिसीजन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज वर्स्ट केस अगर एक अटेम्प्ट और लगता है तो फिर वो मई 23 से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नवंबर 23। सो मैं जैसे कि क्लास में कहता हूँ 31 मई तक आपकी ग्रुप वन की क्लासेस चलेगी, तब तक इवेलुएट करो कि यार मुझसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और फिर उसके हिसाब से आप एक सोचा समझा डिसीजन लो। इट्स अ टफ कॉल बट कॉलेज का मेरे हिसाब से आपको सोचना चाहिए। इफ योर कॉलेज इज becoming such a big hindrance in your CA preparation, you should take a call on the college. Thank you. Yes. Hello sir, I am Shriya Agarwal from Karakhan, and my question to you is that we all attend whole day classes and we are just exhausted after we end up classes. So every educator is telling us that we should take a break after classes and then we should continue with our self studies. So what should we do in that break that brings our self-study more effectiveness in our self-study? That what I feel that after doing so many classes, I am getting time to do my self-study, but that are not effective as much as I want. So what do you do in that break? I generally need to talk to my mom, sister, family, friend. Okay. So ये break क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो सारे educators ने सही बात की है। ये जो ब्रेक होता है ना, ये ब्रेक इसलिए होता है कि आपका जो दिन भर का पढ़ाई का प्रेशर चल रहा है ना, वो आपको रिलीव कर सके। तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसको करने की पूरा दिन इच्छा होती है लेकिन आप नहीं करते हो क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो
तो आपको उस ब्रेक में वो चीज करनी चाहिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मेरा पूरा दिन इच्छा हो रहा है एक बार इंस्टाग्राम चेक करना है, आज तो मुझे चेक करना ही करना है, सो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ खुद को, राइट। शाम को भड़ास निकाल लो, एक घंटा अगर आपने निकाला है ब्रेक, सो यूज इंस्टाग्राम फॉर एन आवर, इतना यूज कर लो, इतना यूज कर लो, खत्म हो जाए यूज करके। सो एनीथिंग यू डू ना, यू डू इन द सेम वे। आपका मन हो रहा है सोने का, एक घंटा ब्रेक लेना है सो लो। आपका मन हो रहा है कि मुझे सॉन्ग सुनने हैं, आपका मन कर रहा है मुझे घर में भाई बहन के साथ खेलना है, थोड़ा मारना है, थोड़ा मार खाना है, डू दैट। बट कुछ ऐसा करो लिटरली कि पूरे दिन का भूल जाओ, आपके कुछ हुआ भी था पूरा दिन, समझ रहे हो आप। बिकॉज लाइफ में सिर्फ सीए ही नहीं है ना, पढ़ना ही नहीं है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, तो आप वो चीज़ करो जो आप करना चाहते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। यस सर। हेलो सर, आई एम प्रभात कुमार गुप्ता फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सर आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन दैट आई ट्राई टू फॉलो योर सक्सेस मंत्र, दैट्स पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस, बट माई स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज दैट लेट्स आई एम हैविंग अ टॉपिक डन, देन द होल टॉपिक इज क्लियर टू मी, बट आई एम स्टक इन अ सिंगल क्वेश्चन इन अ सिंगल कॉन्सेप्ट उसी टॉपिक का। हाँ, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है सर, जब मैं दूसरे टॉपिक पे, दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन उस क्वेश्चन पे, उस कॉन्सेप्ट पे अटक जाता है कि क्यों नहीं हो रहा। आई ट्राई टू ठीक है एक बार फिर बैठेंगे, बट आफ्टर ट्राइंग सो मेनी टाइम्स वो मतलब उसके वजह से क्या है, मैं बाकियों पे भी फोकस नहीं कर पाता, तो उसके लिए मैं कैसे स्ट्रेटेजाइज करूं। बहुत सिंपल है इसका आंसर, आगे बढ़ो ही मत जब तक वो खत्म नहीं हो जाए। अगर कोई चीज है जो आपको परेशान कर रही है ना, तो वो हमेशा परेशान करती रहेगी, कब तक, जब तक आप उसको खत्म नहीं कर देते। तो आई थिंक इस पॉइंट इज वेरी मच वैलिड। सपोज लेट मी टेक एन एग्जांपल, कॉस्टिंग के अंदर आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहते हो मार्जिनल कॉस्टिंग में, और आपको नहीं आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट निकालना, तो नो मैटर आप वो चैप्टर छोड़ के दूसरे चैप्टर पर चले जाओ, आपका दिमाग वो ब्रेक इवन पॉइंट पर अटका हुआ रहेगा। सिट, सॉल्व इट एंड कॉन्कर इट। अगर आप उसको पेंडिंग रखोगे आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो, उसको पेंडिंग नहीं रखना है, उसको सॉल्व करो आगे बढ़ो, है ना, ये बहुत काम आएगा, उसके लिए थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। और सर एक मैं टिप जानना चाहूंगा, अगर तब भी मतलब लाइक होता है ना कि कभी कभी ब्रेन क्लिक नहीं करता है, लाइक कभी कभी ऐसा ब्लॉकेज क्रिएट होता है कि वो क्लिक नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे कैसे अपने आप को मतलब रखे कि अभी मतलब उस टाइम पे कैसे अपने आप को ये फील करे कि ठीक है अभी छोड़ दो, बाद में लास्ट में या कभी देखा जाएगा, लेकिन उसको लिख लो कहीं पे, उसको मार्क कर लो। जैसे मैं बताता हूँ, मैं जब इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, देयर इज अ टॉपिक ब्रांच अकाउंटिंग जो अभी हमारा होना बाकी है, उसके अंदर इंडिपेंडेंट ब्रांच मुझे बड़ा परेशान करता था, तो मैंने जब सेल्फ स्टडी की ना उसको छोड़ दिया, लेकिन मैंने क्या किया अपने रजिस्टर में लिख के रख दिया बड़े बड़े शब्दों में टू डू इंडिपेंडेंट ब्रांच, तो मेरे दिमाग में वो फॉरगेटफुलनेस नहीं है कि मैं बाद में अगर भूल गया तो के ब्रांच अकाउंटिंग में क्या बचा है, क्योंकि मैंने उसको लिख के रखा। थैंक्स अ लॉट, है ना। यस मैम। हेलो, माय सेल्फ तनीषा अग्रवाल, आई एम फ्रॉम यूपी बिजनौर। ओके, सो एक्चुअली आई वाज हैविंग द सेम क्वेश्चन एज दैट ऑफ प्रभात, बट ओके आई एम हैविंग अ डिफरेंट क्वेश्चन एज वेल। एक्चुअली सर वी कवर द क्लासेस, ओके, बट देन जब रिवीजन की बारी आती है तो हम लोग का ऐसा हो जाता है मतलब कि थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है कि एक प्लान नहीं बना पाते हम प्रॉपर रिवीजन के लिए, मतलब जैसे हम साथ साथ ही क्लासेस के साथ साथ में रिवीजन जो करते हैं उनमें भी कि हाउ व्हाट टॉपिक शुड बी चूज फर्स्ट, दिस इज द मेन कंसर्न, ऑल्दो आप ये क्लास में बताते हो, बट व्हाट शुड बी अ मोर प्रिसाइज आंसर टू दिस। इसका सबसे प्रिसाइज आंसर ये है कि क्लास के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे मिलते हैं, मैक्स 4, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है मिलता होगा। ये 3-4 घंटे में ना आपको वही करना चाहिए जो क्लास में करवाया है, और इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हो आप, राइट, कि मिलता है इससे ज़्यादा टाइम, मुझे नहीं लगता मिलता होगा। और अगर मिलता है ना तो फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, जो दिन भर पढ़ाया, अगर लॉ में सर ने आपको कुछ पढ़ाया तो आज वो शाम को बैठ के रिवाइज करना ही करना है। कॉस्टिंग में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए वो रिवाइज करना ही है, टैक्स में जो पढ़ा है वो करना ही है, अकाउंट्स में जो करा है वो करना ही है। अगर टीचर ने होमवर्क दे दिया है तब तो आपका काम और आसान हो गया, क्योंकि फिर आपको पता है, जो आपने कहा ना प्रिसाइज, आपको पता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करना है। अगर टीचर ने होमवर्क नहीं दिया है तो वहाँ पे आपका काम स्टार्ट होता है कि अब मुझे क्या करना है। बट जब तक ग्रुप 1 की बैचेस चल रही है तब तक आप लोगों का एक ही धर्म और कर्तव्य है कि जो क्लास में पढ़ाया है उसको कंप्लीट करो, ताकि हैविंग नो बैकलॉग इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, है ना। यस सर।
जनरल ऐसा कभी नहीं होता है, जनरली ये होता है कि हर स्टूडेंट पहले अपनी क्लासेस ख़त्म करता है, क्लासेस के साथ सेल्फ स्टडी ख़त्म करता है और फिर लास्ट में 2-3 महीने का समय बचता है एट वन स्ट्रेच विच ही यूजेस फॉर हिज रिविजन्स। अगर आप अभी G1 खत्म करके 1 महीना ब्रेक लोगे और फिर G2 की क्लासेस करोगे तो फिर जब तक G2 की क्लासेस होगी तब तक फिर से G1 इवेपोरेट होगा और फिर इसके वजह से क्या होगा, आपको G2 की क्लासेस करने के बाद एग्जाम में सिर्फ 1 महीना बचेगा तो आपको वो फियर डेवलप होगा कि अब मैं उसमें रिवाइज कैसे करूं। इंस्टेड 31st मई तक ग्रुप 1 खत्म करने के बाद व्हाट इफ यू स्टार्ट फॉर G2 फ्रॉम 2nd ऑफ जून, यू कंप्लीट G2 क्लासेस बाय 15th ऑफ अगस्त, तो 15th अगस्त से ऑलमोस्ट लेट्स से एन एग्जांपल 31st अक्टूबर तक आपके पास 2.5 महीना है रिवीजन के लिए। ये 2.5 महीने में आप 8 सब्जेक्ट की रिवीजन बहुत इफेक्टिवली प्लान कर सकते हो, है ना। लेकिन ये सब किस पे डिपेंडेंट है, मैं एक लास्ट मेंटरशिप सेशन दूंगा आपका, ये सब डिपेंडेंट है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस होता है ऑफ द G1 टॉपिक। जैसे अभी आप लोगों ने इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज दी है तो समझ में आया होगा ना कॉन्फिडेंस कैसा है। सो अगर आज आपको लग रहा है नहीं मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा तो आपको जरूरत ही नहीं है, आप गो अहेड डू G2 ऑल्सो। क्योंकि अगर मेरा बच्चा एग्जाम से 6 महीने पहले टेस्ट पेपर दे रहा है फुल सिलेबस और ये कॉन्फिडेंस रखता है कि मैं 50 मार्क ले आऊंगा तो हैप्पीएस्ट पर्सन है ना। यस सर। सो सर माय क्वेश्चन इज कि जैसे एक चैप्टर क्लास में हुआ है तो वो अगर कई बार रिवाइज नहीं होता तो आई कीप ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि अब मैं अगला चैप्टर शुरू कर देती हूँ या पिछला बाद में कर लूंगी, और सर वो फिर पिछला चैप्टर कभी होता ही नहीं है तो उसको कैसे करें। आपने कहा एक चैप्टर अगर कितनी बार रिवाइज नहीं होता, कितनी जैसे क्लास के साथ नहीं हुआ रिवाइज नहीं हो पाया किसी रीजन के कारण। ओके एंड देन होमवर्क हो जाता है, होमवर्क हो गया पर खुद से एक बार अच्छे से रिवाइज नहीं हुआ तो मैं यही तो मेंटालिटी चेंज करना चाहता हूँ। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यू कॉट अ वेरी गुड पॉइंट। मैं जब फेस टू फेस क्लासेस भी पढ़ाता था मुझे ये कंसेप्ट समझ नहीं आता, आज मेरी मदद करो आप सब लोग समझने में। ये होता क्या है कि पहले क्लास में पढ़ेंगे फिर घर में पढ़ेंगे, मेरे को ये चीज समझाओ। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जब हम पढ़ेंगे क्लास में टीचर के साथ तब ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि हम तभी पढ़ाई कर रहे हैं। ये मतलब ये वो वाली बात होगी कि मेरे को डकार तब तक नहीं आएगी जब तक मैं डेजर्ट्स नहीं खाऊंगा। क्यों भाई खाने से नहीं आती, मेरा सिंपल है मतलब ऑनेस्टली मेरे को आंसर दो इस चीज का। हाँ थ्योरी में नहीं आती, एग्रीड। अब मैं आता हूँ, अब अगर यही सवाल मान्या ने मुझे थ्योरी सब्जेक्ट के लिए पूछा था ना आई वुड हैव डेफिनेटली गिवन टू द पॉइंट आंसर, बिकॉज ग्रुप 1 में सिर्फ एक थ्योरी सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, लाइक टैक्सेशन 200 आवर्स, अकाउंट्स 180 आवर्स, कॉस्टिंग 160-180 आवर्स। हाउ डू यू डिफाइन लॉ, यू गाइज आर नाउ इंटेलिजेंट, टेल मी लॉ कितने घंटे का होगा। हाँ 120 घंटा, यू आर राइट। आप अगर रिवाइज करने बैठोगे ना फर्स्ट टाइम लॉ तो पूरा लॉ 90 घंटे में मैक्सिमम, 90 घंटे के बाद खुद के बाल खींचोगे, उससे ज्यादा टाइम लग गया तो जो पास में बैठा उसके खींचोगे, उससे ज्यादा टाइम लग गया घर के बाहर भाग के पड़ोसियों के बाल खींचोगे, आप 90 घंटे कभी भी नहीं निकाल सकते। मुझे एक बात बताओ, आराम से निकाल सकेंगे। बट मुझे लगता है ना, जो अब आपके क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, आपको ये नंबर ऑफ रिपीटेशन से ज्यादा आपको नंबर ऑफ वेरिएशन देखना चाहिए। अगर आप लॉ की बात कर रहे हो ना तो मैं लॉ के आंसर्स लिख के कितना प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कंसेप्ट को कितनी बार रिवाइज कर रही हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसको लिख नहीं लेते हो एक खाली पेपर पे। ये एक लॉ का 8 मार्क का आंसर, ये एक लॉ का 10 मार्क का आंसर, फैक्ट्स ऑफ द केस, एप्लीकेबल लॉज, एनालिसिस ऑफ द केस, कंक्लूजन ऑफ द केस, दैट इज एग्जैक्टली व्हेन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। बट ऑनेस्टली आई विल सजेस्ट दैट डोंट डू दिस अप्रोच, फॉलो द अप्रोच ऑफ स्टडिंग विद द क्लास। दिस इज माई क्लास, दिस इज माई टीचर, माई टीचर इज टीचिंग मी, आई एम स्टडिंग, नॉट अ टीचर इज माई फ्रेंड। बस ये समझना है, क्लास में खत्म करना, और मजे लेने वाले तो होते ही है क्लास में, आपको तो पता ही है तो बहुत टाइम मिलता है हमको, है ना। हो गया आंसर, थैंक यू सो मच। हाँ जी फिरोजपुर पंजाब। So sir, my question is, should we do all the questions again in the first revision? Like as we said, ki 31st May tak aapka syllabus ke saath saath, classes ke saath saath first revision ho jana chahiye. To sare questions karne chahiye ki kuch choice karni chahiye questions ki aur kaise, kis basis par choice karein questions ki? Aap pehle mere ko ye batao, class attend karte ho ki nahi karte ho? Karte hain.
कर रहा हूं। मैं आंसर करूं इससे पहले? हां, मैं सबके चेहरे देख रहा हूं। सिंपल इंडेक्स इज द आंसर। ये देख लो, आपके सामने सबूत बैठा है। हां सर, इवन आप मेरे को पहले आंसर दो। आप क्लास अटेंड करते हो? कहां तक पहुंचे हो? आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरा लेक्चर नंबर 50 खत्म हो चुका है, हाफ सेंचुरी। नाउ मयंश विल टेल अस कि इसने कौन से लेक्चर तक देखा है, बताओ भाई। अब मैं रोस्टिंग क्यों नहीं करूं? आप लोग लाइव देख रहे हो, अब मैं बताओ रोस्टिंग क्यों नहीं करूं? तो भी मैं आंसर करता हूं। जिस दिन आप पढ़ाई करते हो ना, हर एक दिन आपको वो एक दिन की तैयारी करनी है जो एग्जाम से पहले आएगा। ये स्टेटमेंट मैं अपने लेक्चर नंबर 1 में देता हूं। ट्रिपल ए इंडेक्स, दैट इज माई इंडेक्स ऑफ अनअकैडमी प्लस, makes a very big difference in this. Do you agree with this? Yes. Second thing, if you remember, I've given you task ke 31st May tak aapko star mark questions khatam karne hain. Uske baad mein aapko RTP aur PYQ. Kitni RTP aur PYQ bataiye? Last four. Four attempts. Four years nahi. Four years bologe to 8 ho jayenge. Maine kaha last four attempts. Ye aapko appear karna. Nahi sir, jaise jab aap class mein saath saath karwate ho, समझ सब कुछ आ जाता है। दूसरे टीचर्स भी करवाते हैं, वो भी समझ सब कुछ आ जाता है, पर बाद में जब करने बैठे तब पता चलता है कि यहाँ पर अटक रहे हैं, यहाँ पर अटक। दैट इज वेयर वी गिव होमवर्क ना भाई। जो आपने देखा है कितने सारे टॉपिक्स हम सिमिलर क्वेश्चन नहीं करते। अभी हमने सिंगल एंट्री सिस्टम एक टॉपिक खत्म किया था, उसमें 3 क्वेश्चन एक जैसे थे। अभी हमने लेक्चर नंबर 50 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खत्म किया, उसमें नहीं कितने क्वेश्चन सिमिलर थे, याद है? सारी एडजस्टमेंट सिमिलर, एसेट की कॉस्ट दे रहे हैं, डेटर्स का एजिंग दे रहे हैं, ये सब सिमिलर नहीं था, है ना? तो कभी भी ध्यान रखो, जो आपने क्लास में किया है उससे मिलता जुलता घर पे करो एज अ होमवर्क। नहीं होमवर्क है तो उसी को घर पे रिसॉल्व करो। अभी आप में से किसी ने पूछा, मैंने यही तो कहा कि घर पे आके जो क्लास में दिया बस वही करो। आपने पूछा था, राइट? पक्का 100%? पर आंसर दिया नहीं आपने, कौन से लेक्चर नंबर पे हो? फर्क, मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, ये फर्क पड़ता है। गलत फंस गया ये तो। अब आप कोई नहीं बोलेगा मैं रोस्ट क्यों करता हूँ। ये देखो एग्जांपल आपके सामने, मौका यही दे रहा है मेरे को। चलो कोई नहीं भाई। यस मैम। हेलो सर, माय नेम इज निधि केदार एंड आई एम फ्रॉम यूपी गोरखपुर। सो सर, आई वांटेड टू आस्क दैट इफ दिस एज यू हैव टोल्ड हर दैट ग्रुप वन के साथ हमें रात में सिर्फ ग्रुप वन के टॉपिक रिवाइज करने चाहिए जो क्लास में पढ़े हैं, बट इन ग्रुप टू हमारे पास ग्रुप वन वाला भी रहेगा एंड ग्रुप टू का जो पढ़ा है क्लास में वो भी रहेगा, तो फिर उससे कैसे हम लोग डील करेंगे, क्या करेंगे? चलो ये तो वैसे बहुत फार साइटेड क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं आंसर देता हूँ। 31st May को जब आपका ग्रुप वन खत्म होगा ना, उससे पहले पहले आपको एक रिविजन स्ट्रेटेजी बनानी है फॉर G2। और वो कैसे बनानी है? तो अभी सिंगल एंट्री सिस्टम जब मैंने खत्म करवाया था, तो आप याद करो मैंने आपको लिखवाया था कि कौन से महीने में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। है ना, याद है कौन से महीने में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करोगे? यही चीज आपको खुद को, खुद के लिए कॉस्टिंग और टैक्सेशन की बनानी पड़ेगी। लेकिन ये बनाते समय ये ध्यान रखना होगा कि आपके पास एक वीक में 10 घंटे के ऊपर अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि जब G2 की क्लासेस चलेगी तो G2 की क्लासेस इतनी इंटेंस होगी जितनी अभी की है ना। तो ये सिचुएशन में आप सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस में रहोगे, तो आपके पास दिन कौन सा बचेगा? दो, या तो प्रार्थना करो ऊपर वाले से टीचर बीमार पड़ जाए, क्लासेस की छुट्टी लग जाए। नहीं, ऑब्वियसली ऐसे करते होंगे प्रार्थना। या फिर संडे हमें मिल जाएगा, संडे हम कर लेंगे। तो संडे का मैं मान लो 10 घंटा, या वीक में और कुछ मिक्स एंड मैच करके 10 घंटे निकाल लोगे वीक में। 10 घंटे वीक में, महीने का 40 घंटा, इससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा G1 रिवाइज करने के लिए। तो कीपिंग दोज 40 आवर्स इन माइंड ऑफ 2.5 months, दैट इज 100 आवर्स, यू प्लान योर रिविजन। और 15 अगस्त तक जैसे ही G2 की क्लासेस हुई ना, 16 अगस्त को पहले किसकी रिविजन लेके बैठोगे? G1। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ऐसे प्लान करना। सर इंडिपेंडेंस डे आप लोग बनाओगे, इंडिपेंडेंस, दिवाली, दशहरा, ईद सब एक साथ बनाओगे आप एक अटेम्प्ट के बाद, मुझे इतना पता है। कुछ दिवाली सैक्रिफाइसेस कर लो, फिर जिंदगी में हर दिन दिवाली बनाओगे, और इसका एक ट्रेलर आप देख रहे हो पिछले 24 घंटों से। है ना,
चलो सो गाइज आई थिंक दिस वॉज अ वंडरफुल कॉन्वर्जेशन विद ऑल ऑफ देम और मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी ये कॉन्वर्जेशन बहुत यूजफुल रहा होगा। तो वो सभी स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट नवंबर 22 की एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, आप लोगों को टारगेट सेट करना चाहिए कि 31 मई 2022 तक आपकी ग्रुप वन की क्लासेस आप खत्म कर लें, 15 अगस्त तक ग्रुप टू की क्लासेस खत्म करें एंड देन यू प्रिपेयर योर रिविजन स्ट्रैटेजी फॉर नवंबर 2022। कहता था, कहता हूं और कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। और आज मेरे पास कहने वाले इतने, कर लेना भाई ये लेक्चर अटेंड नहीं करते काम सबसे पहले करता, और ये देखो कैसे बच्चे हैं। तो ये देखो हम लोग आज मेरे साथ इतने सारे जने ये चीज कहने वाले हैं, और जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद।